मॉनिका बेदी एंड आई वेलकम यू ऑल टू क्रैक इन सेकंड्स बाय एकेडमी जेई। बच्चों आज एक प्यारे से सीक्वेंस से ये सीखने वाले हैं कि किस तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r रेज़ टू द पावर n के, जहां n की वैल्यू आप याद रखिए 1, 2, 3, 4, 6, 6। अब हम कैसे जानेंगे कि कौन से टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस तरीके से डिस्टेंस से रिलेटेड है, उसके लिए आपको एक सीक्वेंस ध्यान रखना है। ये ट्रिपल आई ट्रिपल डी डबल आई डबल डी आई डी आई डी आई डी कितना इजी है, इसको आपको 6 टुकड़ों में तोड़ना है। पहला टुकड़ा है आई आई मतलब आयन आयन, दूसरा टुकड़ा है आई डी यानी आयन डायपोल, तीसरा टुकड़ा है डी डी यानी डायपोल डायपोल, चौथा टुकड़ा है आई आई डी यानी आयन इंड्यूस्ड डायपोल, पांचवा टुकड़ा है डी आई डी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, छठा टुकड़ा है आई डी आई डी यानी इंड्यूस्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। अब आर की पावर देखिए 1, 2, 3, 4, 6, 6 फॉर द सेट्स रिस्पेक्टिवली। अब इसी बेसिस पे एक जे मेंस का सवाल करके देखते हैं। 2020 क्वेश्चन जिसमें आपसे मैच द कॉलम करवा रखा है, आपसे फर्स्ट सेट थर्ड सेट डायपोल डायपोल का थर्ड सेट था एंड लंदन डिस्पर्जन यानी सिक्स्थ सेट के बारे में पूछा है। सीधा सीधा आपको करना है, अगर फर्स्ट सेट है तो 1/r^1, थर्ड सेट है तो 1/r^3 एंड सिक्स्थ सेट के लिए 1/r^6। सीधा सीधा एसीडी टिक लगता है, एसीडी। तो बच्चों देखो कितनी आसानी से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो ऐसी और ब्यूटीफुल टेक्निक्स एंड स्किल्स सीखने के लिए अनअकैडमी जेई चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स क्रैक इट।